नमस्कार। आगामी लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, एक ओर सत्ता को बचाए रखने की कोशिश हो रही है तो दूसरी ओर सत्ता पर एक बार पुनः पहुंचने की। नए नए समीकरण बन रहे हैं, पार्टियों में बिखराव हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत से लगी है अपने आप को एक बार पुनः सर्वाइवल के लिए। आइए देखते हैं क्या उनकी स्ट्रेटेजी है और किस प्रकार वो आगामी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। मिलेंगे आज के इस एपिसोड में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के प्रभारी हरीश रावत से। आज उत्तराखंड सहित देश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में शुमार किए जाने वाले हरीश रावत ऐसे राजनीतिज्ञ माने जाते हैं जो अपने प्रतिद्वंद्वियों से मात खाने के बाद हर बार और मजबूत होकर उभरे हैं। हरदा के नाम से मशहूर हरीश रावत केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे, पर फिलहाल कांग्रेस के साथ उनके भी वनवास के दिन चल रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने भारतीय युवक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लंबे समय तक युवा कांग्रेस में कई पदों पर रहते हुए हरीश रावत पहली बार 1980 में केंद्र की राजनीति में शामिल हुए, जब वे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कैबिनेट राज्य मंत्री बने। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। करीब 13 साल पहले जब केंद्र में राजग सरकार और मूल प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकाल में उत्तराखंड का जन्म हुआ, उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आए हरीश रावत ने पूरे प्रदेश में ऐसा बदलाव ला दिया कि 2002 और 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी। दोनों बार उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चलता रहा, पर उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला 2014 में, जब राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2017 तक हरदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। एंटी इनकम्बेंसी के चलते 2017 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस हारी, बल्कि मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए। फिलहाल हरीश रावत असम के प्रभारी हैं। इस समय कांग्रेस और हरदा दोनों की साख दांव पर है और दोनों को ही अपने आप को साबित करना है। तो ये था राजनीतिक सफर पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के प्रभारी असम के हरीश रावत जी का। आइए बातचीत करते हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हरीश जी, वर्तमान में कांग्रेस का वनवास चल रहा है और ऐसा ही वनवास आपका भी चल रहा है। कोई आपके पास प्रमुख जिम्मेवारी नहीं है सिवाय असम के प्रभारी होने के, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कांग्रेस के वनवास की कही, राजनीति के घटनाक्रम में ऐसी स्थितियां आती रहती हैं। भाजपा भी इस तरीके की स्थिति से एक से अधिक बार गुजर चुकी है। 1994 में उनके केवल एक एमपी थे, जंगारेड्डी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। फिर उसके बाद इंडिया साइनिंग के युग में अटल बिहारी जैसे व्यक्तित्व से गवर्नमेंट छिन गई और यूपीए के रूप में कांग्रेस की सरकार बन गई। ये लगता है कि एक साइकिल वो बना। अब हमारी कुव्वत इस बात पर है कि हम इसको जितनी जल्दी तोड़ें, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2019 में इस चक्र को तोड़ देंगे। रहा सवाल मेरा, मैं चुनाव हारा, गवर्नमेंट गई हमारी, तो उसके बाद पार्टी ने मुझको पार्टी का काम सौंपा, कई जगहों काम दायित्व दिया, और इस समय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आसाम कोई सामान्य राज्य नहीं है, कांग्रेस वहाँ सत्ता में नहीं है, यही हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि सत्ता में होती तो फिर मैं आलसी हो जाता, ज़रा काहिल हो जाता। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ के सब कांग्रेसजनों को विश्वास में ले करके, उनको उत्साहित करके, भाजपा को सत्ता से बेदखल करूँ और कांग्रेस सत्ता में आए। हरी जी, जहाँ पर आप लोकसभा का इलेक्शन 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे, वहीं आप बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव हार गए।
इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो मोदी मैजिक इतना ज़बरदस्त था कि जिसको हम लोग समझ नहीं पाए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, या फिर मशीन मैजिक जिसकी कई लोगों को आशंका है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। आपको अगर लगता है बीजेपी मशीन मैजिक इस्तेमाल करती है, तो पिछले उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हुए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पर बीजेपी हारी, कर्नाटका में हारी, पंजाब में हारी। मशीन मैजिक होता तो सब जगह निश्चित रूप से बीजेपी जीतती। बाई इलेक्शंस में इस तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता है। छोटे स्केल पर तो और भी ज़्यादा आसान है। वो बड़ा उसमें पकड़े जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और चीज़ें जो है दूसरे तरीके से भी टैप हो सकती है। जब आप बड़े लेवल पर होता है चुनाव, बड़े चुनाव होते हैं, तो 100-150 तक वोटों को आप सामान्य प्रक्रिया में होने देते हैं, जो मैंने सुनाई दिया है। 150-200 के बाद तब बटन जो है गाइडेड हो जाते हैं कि वोट चाहे किसी को दबाते रहिए, लेकिन वोट निर्धारित चुनाव चिन्ह पर ही जाएगा। आपको लगता है तो मतलब इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिला हुआ है इसका मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, कि वोटर के मन से इस शंका को हटाए कि उसका वोट वो जिसको दे रहा है उसी को मिल रहा है, वो कहीं और जगह नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि या तो मशीन के बजाय बैलेट में आ जाए, जैसे कई राज्य कई देशों ने किया, और यदि मान लिया वो इंसिस्ट करना चाहते हैं नहीं हम तो मशीनी का उपयोग करेंगे, तो फिर उनकी ड्यूटी है कि ये शंका का पूर्णतः निवारण हो। ये तो हो गया मशीन मैजिक जो आप कह रहे थे। दूसरा, आपको लगता है कि मोदी मैजिक के कारण से आप हारे? देखिए, मोदी जी ने पोलराइज करने की कोशिश की। जब उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही कि कब्रिस्तानों की दीवारें तो बन रही हैं, शमशानों की दीवारें नहीं बन रही हैं, प्रधानमंत्री इस सीमा तक नहीं जाता, इस सीमा तक नहीं जाता कि साहब आप रमजान में तो पावर कट नहीं करते हैं, दिवाली में पावर कट करते हैं, दिवाली और रमजान का झगड़ा, जबकि सत्यता ये है कि दिवाली में कहीं पावर कट नहीं होती है। कांग्रेस अब तक मुसलमानों को खुश करती थी, मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, और कांग्रेस का ये भी आरोप रहता था कि बीजेपी हिंदुओं का पोलराइजेशन करती है। अब राहुल जी ने जो मंदिरों में जाना शुरू किया है, अपने आप को जनेऊधारी कहना शुरू किया है, अपने आप को शिव भक्त कहना शुरू किया है, क्या ये हिंदू वोट्स का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप राजनीतिक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स हैं, जैसे मान लिया हमारे प्रवक्ता ने कह दिया कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं, और कुछ होते हैं जो स्वभावगत होती हैं, आस्थागत होती हैं। शिव भक्त राहुल गांधी सोमनाथ जी के दर्शन करने चले गए तो सवाल उठ गया, और मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इसे घबराए बिना इसको अपनी आदत का पार्ट बना लिया। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए, देश के अंदर पॉलिटिक्स में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले चंद नामचीन पॉलिटिशियंस में एक वो हैं और दूसरा मैं हूँ। ये अब कांग्रेस में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण मानते हैं कि जो कांग्रेस पहले मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, मुसलमानों को खुश करती थी, अब कांग्रेस को लगने लगा है कि बहुसंख्यक हिंदू हैं इस देश में, इसलिए उनको खुश करना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आचरण और दिखावे में अंतर होना चाहिए। जब केदारनाथ गए तो ये दिखावा नहीं था, ये आस्था थी। सवाल उठाने वाले एक बात भूल जाते हैं, जब वही व्यक्ति 16 वर्ष के नौजवान के रूप में अपने पिता की चिता को आग दे रहा था, तो हिंदुत्व का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इंदिरा जी एक संस्कारगत हिंदू महिला थी, वो पल्ला रखती थी, वो रखती थी। सोनिया जी ने उसको अपनाया, अंगीकृत किया, और राहुल जी ने मंदिर आदि जाना वो जाते थे पहले, अब क्योंकि चुनाव के वक्त में उन राज्यों में जा रहे हैं तो हमने फिर उसको अपना हिस्सा बना लिया। आप भी बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी के रास्ते पर चल पड़े हैं? हम पहले भी दिखावटी नहीं थे, आज भी दिखावटी नहीं है, मगर विरोधी उसके नाम पर राजनीति कर रहे तो हमने कहा नहीं, लुक यार, तुम राजनीति नहीं कर सकते हो, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। आपको लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और वही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने चाहिए? एक राष्ट्रीय पार्टी
जिसका 134 साल का इतिहास है, वो अपना अध्यक्ष चुन रही है और उनके हाथ में नेतृत्व दे रही है, तो ये शंका क्यों? हरीश जी, जो आप 134 साल पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है। जो राजनीतिक दल 20, 25, 30 साल के इतिहास के साथ हैं, वो जब किसी के हाथ में अपना नेतृत्व देते हैं तो शंकाएं नहीं है। और 134 साल की पार्टी एक के हाथ में अपना नेतृत्व देती है तो आपको शंकाएं क्यों हुई? आप मानते हैं राहुल जी को देश की और कांग्रेस की समझ नहीं है, ये उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। उन्होंने संसदीय परंपराओं को समझने का प्रयास किया, उन्हें गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को समझा, उसका मंथन किया। भारत एक अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने इसको समझा राहुल जी ने। और उन्होंने कोई सरकारी पद नहीं लिया, इसका मतलब है उनमें संयम है। आज की राजनीतिक चुनौती को राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि मिलीजुली चुनौती है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, सबको साथ लेकर के चलना है। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस को पीछे रखा है, पहले बीजेपी को पराजित करें और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है क्योंकि वो लोकतंत्र को समझ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह जी लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र का अपमान करते हैं जब वो कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। जिस तरह का कांग्रेस का रवैया है, जिस तरह का कामकाज है, उसको देखते हुए तो कांग्रेस खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है। देश की आज़ादी का इतिहास है, देश को बनाने का है, भारतीय संस्थाओं को खड़ा करने का इतिहास है, और वो उस परिवार से जुड़े हुए जिस परिवार की तीनों पीढ़ियाँ देश की आज़ादी के लिए जेल में गई। उस परिवार से जुड़े हुए इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैंने और कारण भी तो बताए आपको। आखिर इस इमोशनल और सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग का कांग्रेस कब तक फायदा उठाएगी, कब तक लोगों के इमोशन से खेलती रहेगी? किसी परिवार से जुड़ा होना यदि डिस्क्वालिफिकेशन है तो संवैधानिक वो लाए ना, संशोधन लाए कि कहें नहीं ये डिस्क्वालिफिकेशन है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत रूप से देश के लिए या कांग्रेस के लिए क्या उपलब्धि है? राहुल गांधी एक बिल्कुल क्वालिफाइड पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, और आज विपक्ष के रूप में आप देखिए सारा ओरिएंटेशन उनके चारों तरफ है। आपने बहुत अच्छी तरह से राहुल जी की प्रशंसा की और ये भी कहा कि वो नौसिखिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो राजनीति के गुर सीख रहे हैं और देश को भी समझ रहे हैं, जिसकी उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन ये सारी जानकारी राजनीति की भी और देश की भी, आपके पास कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे अनुभवी नेता थे हैं जिनको के ये सारी जानकारी है, तो उनको क्यों नहीं आप प्रमोट करते? सिर्फ गांधी परिवार के लिए ही तुम्हें माताश्च तुम्हें पिताश्च, ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वाभाविक प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे नहीं आए हमारे। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति क्यों अध्यक्ष होता है, जबकि हकीकत यह है कि नेहरू जी और मोतीलाल जी के युग से लेकर के अभी तक अधिकांश समय में जो है गैर नेहरू परिवार के लोग अध्यक्ष रहे। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में उनकी इच्छा के विरुद्ध पुरुषोत्तम दास टंडन जी से लेकर के कई लोग अध्यक्षता में विराजमान रहे, और आधुनिक उसमें भी आज के समय में भी जो है नरसिम्हा राव जी रहे, हमारे सीताराम केसरी जी रहे। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से बाहर का रहा हो, लेकिन सत्ता की चाबी हमेशा नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही। पिछली यूपीए सरकार को भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन सारे निर्णय सत्ता का केंद्र 10 जनपद ही था। हमारा भाव है, मुझे गर्व है कि हमारा भाव जो है उस परिवार के प्रति सम्मान का है। अब जो बात आपने हमसे कही कि दूसरे भी तो काबिल लोग हैं, एक बात बताइए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने आए तो जिस व्यक्ति ने भाजपा को सत्ता की राह में डालने का काम किया लालकृष्ण आडवाणी जी, उनको क्यों इग्नोर कर दिया गया? तब ये सवाल क्यों नहीं उठा कि क्यों अटल बिहारी न क्यों नरेंद्र मोदी जी? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी योग्यता की प्रतिमूर्ति हैं, उनसे योग्य विद्वान व्यक्ति भाजपा में कोई दूसरा नहीं है।
लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जी यदि योगी चाहते तो उनसे बेहतर कौन था, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, मोदी जी कहीं भी उनके पासन भर नहीं टिकते थे। तो यह उस पार्टी का निर्णय था, भाजपा का निर्णय था कि वो किसका दिल दुखा रही है, दिल सहला रही है, उन्होंने अपना मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो ये चीज़ हमारी पार्टी के विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए कि हम अपना नेता किसको बना रहे हैं। कांग्रेस में क्या मोदी जी के पास किसी ने शिकायत की है कि साहब ये राहुल गांधी जी हमारा चांस खराब कर दे रहे हैं, ये तो चांस हमारा था। जो मोदी जी को बेचैनी है कि राहुल गांधी ही क्यों, अमित शाह जी को बेचैनी है, किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो, कुछ बात कही हो तब कहे ना। हम सब लोगों ने एक राय से, एक मत से निर्णय लिया है, युवा भारत है, युवा भारत को युवा नेता चाहिए और राहुल गांधी जी उसके लिए बहुत पूर्णतः योग्य हैं। हरि जी, पिछले विधानसभा चुनाव में एक जनरल टेंडेंसी लोगों की ये भी थी, लोगों के विचार था कि आपने जो मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय आपदा आई थी उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से भी पूरी मदद मिली थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई। पहली बात तो मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने मदद की ही नहीं, बल्कि 8,000 करोड़ रुपये का पैकेज था और उसमें से हमको केवल 1,800 करोड़ रुपया आया, वो भी जो यूपीए के समय में आ गया था। मोदी जी के आने के बाद जो है केदारनाथ के लिए आपदा का मुकाबला करने के लिए कोई पैसा नहीं मिला। चीज़ों को तुलनात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। भुज से कच्छ के में जब भूकंप आया था उससे हमारी केदारनाथ की त्रासदी ज़्यादा बड़ी थी, और आज जो कुछ भी केदारनाथ में हुआ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, साधना न्यूज़ अपनी टीम भेजे और वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से सबसे पूछ ले, जो कुछ भी किया है केदारनाथ के अंदर कि आज लाखों यात्री वहाँ पहुँचे हैं और ठीक व्यवस्था से हुआ है, वो सब का जो है एक एक काम, एक एक चीज़ मेरी गवर्नमेंट के समय में। वर्तमान सरकार में भी आपके यहाँ से निकले हुए कई मंत्री हैं, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और भी कई, आप इस सरकार का किस तरह का मूल्यांकन करना चाहते हैं? मैं ये जो कलाकार हैं, इन सब कलाकारों को भाजपा ने अपने घर में सजा रखा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और ये कलाकार उनके लिए बहुत मुबारक साबित होंगे। आप उन्हें कलाकार मानते हैं लेकिन हैं तो वे आप ही की कलाकृति, आप ही ने उन्हें ट्रेनिंग दी है। कांग्रेस असल में इनके व्यक्तित्वों के, प्रखर व्यक्तित्वों के उसमें चकाचौंध हो जा रही थी, अब सामान्य लोगों के हाथ में उत्तराखंड की कांग्रेस है, कम से कम ये चकाचौंध वाले दूर हो गए हैं। क्योंकि देखिए सतपाल महाराज जी दुनिया के साधु संतों में सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, दूसरे कई हमारे मित्र हैं जिन्होंने जो बहुत ही गरीबी के साथ आए थे लेकिन आज उत्तराखंड राज्य के धनाढ्य व्यक्तियों में हैं, तो कई काफी समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे, वो मैं कह रहा हूँ काफ़ी गुणों के साथ भाजपा के अंदर गए हैं, तो उनके गुणों से जो है भाजपा लाभान्वित होती रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। उनके ये गुण निखरे तो कांग्रेस में रहते हुए ना, मैं कह रहा हूँ कहीं भी निखरे लेकिन जब वो महागुणी बन गए तो वहाँ चले गए। लोकसभा के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और आपने ये कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन दूसरी बार फिर आपने ये कहा कि नहीं, अगर नैनीताल से मुझे लड़ने के लिए कहा जाएगा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। आर्थिक स्थिति की बात मैं आज भी कह रहा हूँ, सत्यता यह है कि इस चुनावी लड़ाई के लिए मैं अपने को सक्षम आर्थिक रूप से नहीं पाता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आज बहुत खर्चीले हो गए। हमको तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आज कोई कह दे पसीने आ जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव तो बहुत खर्चीला चुनाव है। हाँ, राहुल गांधी जी ये समझते हैं नहीं मुझको लड़ना भी चाहिए, तो निश्चित तौर पर कमांडर का आदेश मानेंगे, क्योंकि लड़ाई है, लड़ाई में तो कमांडर का आदेश द फाइनल वर्ड। हाँ, वो कहेंगे लड़ाओ तो लड़ाएंगे, वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, वो कहेंगे दोनों काम करो तो दोनों काम करेंगे। इस समय देश में अलग अलग स्थानों पर जगहों के नाम परिवर्तन करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है,
चाहे फिर वो इलाहाबाद का हो, चाहे मुगलसराय का हो या बाकी शहरों का, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने भी देहरादून में जब स्टेडियम का नाम चेंज करने का चल रहा था सिलसिला, आपने उसका बहुत विरोध किया था। देखिए, वो राजीव गांधी जी के नाम पर हमने रखा था, हमारी भावनाएं थी और स्टेडियम बनाया था हमने, सब कुछ कर दिया, तुम केवल नाम बदलने आ गए, तो मेरा ऑब्जेक्शन बहुत वाजिब था। दूसरा, जो आपने ये नाम बदल वाला कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा में नाम विशेषज्ञ लोग हैं, नामों की फहरिस्त बना दें, आपके बेटे का नाम क्या हो वो भी बता दें, हाँ आज हरीश रावत नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा भी कुछ नाम कर दे, हरिशरण या कुछ नाम करके मुझको भी भेज दे, यदि मान लिया कुछ लोगों के नाम पसंद नहीं आ रहे हैं तो उनको भी बदल दे, तो केवल शहरों तक क्यों सीमित हो, और जो कर्णप्रिय नाम है उनको कहें ये नाम कर्णप्रिय हैं, इसलिए प्यारे देशवासियों ये 5 साल हमने यही काम किया है, आप नाम बदल लीजिए ताकि 2019 के बाद जो नया अवतार हो वो देखें। आपकी नज़र में नोटबंदी, GST, उज्ज्वला, जनधन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत की विदेशों में प्रतिष्ठा, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है? दुनिया को एक जगह खड़ा करके सबको, आर्थिक विशेषज्ञों को कहना चाहिए मोदी जी ही दुनिया के सबसे बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं। अरे चलती अच्छी खासी तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था को आपने पंगु बना दिया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इनके चाहने वाले न्यूज़पेपर तक अपनी संपादकीय में लिखते हैं जो अर्थव्यवस्था में घाव लगे थे नोटबंदी और GST के, वो भर गए हैं, तो घाव लगे थे ना। आपने कहा काला धन समाप्त, और रिपोर्ट आती है स्विट्जरलैंड में काले धन बढ़ रहा है, और हमारा रिजर्व बैंक कहता है कि जितने नोट सर्कुलेशन में दिए थे वो सब वापस आ गए, तो भैया वो काला धन कहाँ गया? आपने कहा आतंकवाद रुक जाएगा, यहाँ कश्मीर में आतंकवाद रुक गया, नक्सलवाद रुक गया, और तो छोड़िए जिस उल्फा इत्यादि के आतंकवाद को हम समाप्त करके गए थे, नॉर्थ ईस्ट में वो भी प्रारंभ हो रहा है। GST ठीक थी, मगर आपने हड़बड़ी में और उसको अपना रूप देने के लिए, उसको रिमॉडल करने के लिए उसमें कई तरीके के प्रावधान कर दिए। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा GST रेट होगा, आप नए उद्यमी को, छोटे उद्यमी को, अशिक्षित उद्यमी को, आप उसकी कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो GST ने जो इन्फॉर्मल सेक्टर था हमारा, अनौपचारिक क्षेत्र था, रेहड़ी पट्टी बाज़ार, छोटे दुकानदार, ये कारपेंटर, बढ़ई गिरी का काम करने वाला, टायर का काम करने वाला, दुकान का, फैमिली बेस इंडस्ट्री वाला, वो सबको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। अभी आंध्रा ने, कर्नाटका ने और पश्चिम बंगाल ने, इन्होंने तय कर लिया कि CBI की डायरेक्ट इंक्वायरी हमारी स्टेट में हम नहीं होने देंगे। आपको नहीं लगता इसके कारण से आने वाले समय में केंद्र और राज्यों में ज़बरदस्त टकराव की स्थिति आ जाएगी? देखिए, ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि आप एक तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, दस्ताएं नष्ट करने का काम इन्होंने किया है, तो उसको लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों में शंकाएं हैं, और वो अकेले उनके मन में नहीं है, हम जैसे बहुत सारे लोग उसके भुक्तभोगी हैं कि इन्होंने किस तरीके से ED, इनकम टैक्स और CBI का कॉकटेल बना करके राज्यों में पॉलिटिशियंस को, बल्कि भाजपा के पॉलिटिशियंस जो चुप हैं, उसके एक चुप्पी का ये कारण यही है, ये संस्थाएं बिल्कुल इस समय एक व्यक्ति विशेष की मुट्ठी में हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आई है, अगर उस पर उनको फिर से विचार करना चाहिए कि उसको स्थायी रूप से वो नहीं करना चाहिए, तो अदरवाइज CBI रिडंडेंट हो जाएगी बुरी तरीके से। आज गलत हाथों में है, कल सही हाथों में भी तो आ सकता है राज्य, सब ठीक हो सकती है। और यदि वे भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त हैं तो उनको अपनी इंक्वायरी कराने में कोई संदेह, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए? वो जब संस्थाओं का राजनीति के लिए दुरुपयोग होता है तो आप किसी की राजनीति को ख़त्म कर दें, वो तो जब निर्दोष साबित होगा तब निर्दोष साबित होगा, आज तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अंत में हरीश जी आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि
यूपीए के टाइम में 2G स्कैम, 3G स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम, एक के बाद एक स्कैम आते चले गए, लेकिन पिछले 4 साल में किसी तरह का कोई स्कैम इस तरह का नहीं आया। उसके बाद भी आप, इसीलिए मोदी जी को अफसोस रहा है, इसीलिए उन्होंने मदर ऑफ ऑल स्कैम राफेल फाइटर प्लेन जहाज की खरीद का स्कैम कर दिया। उसके लिए तो वो सारे पेपर्स कोर्ट पे सबमिट कर चुके हैं, कोर्ट पे सबमिट जो हो रहा है, इस तथ्य को कैसे आप इनकार करेंगे कि 126 जहाज खरीदने की का सौदा होता है, आप उसको 36 में टर्मिनेट कर देते हैं, क्या जस्टिफिकेशन है? सारा पावर सेक्टर जो सफ़र किया है, जो आज NPA की प्रॉब्लम बैंकों के सामने आई है, उसके लिए ये दो सेक्टर्स के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, टेलीकॉम सेक्टर फास्ट ग्रोइंग सेक्टर था और कोल सेक्टर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था, वो ये दुष्प्रचार जिम्मेदार था। उसके कारण जो है, जो कंपनियों ने उसमें इन्वेस्ट किया, बैंकों का पैसा लिया, वो कुछ कर नहीं पाए। मैं NPA को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर कंपनी जो हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, आज वो सारी की सारी रेट में चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं, और कांग्रेस कहाँ तक पहुँच पाएगी तो समय बताएगा। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। NDA का जन्म दुष्प्रचार के कारण हुआ या UPA के घोटालों के कारण, ये आप स्वयं तय करेंगे। हम आपको अगले कार्यक्रम में फिर एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे। नमस्कार।